पहल पर जगदलपुर में 10 सालों से सोनी पड़ी कलाई में एक बार फिर से राखियां सजी हैं। दरअसल प्रति कल्याण एरिया कमेटी के सदस्य रह चुके दशमी ने हाल ही में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने के बाद ये उसकी पहली राखी है। दशमी की पहली राखी को यादगार बनाने के लिए बस्तर पुलिस ने विशेष व्यवस्था की थी और इस दौरान और भी समर्पित नक्सलियों और उनके परिजनों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षा का वचन दिया, पर सभी की निगाहें दशमी पर ही टिकी थी। दशमी 12 वर्ष की उम्र में नक्सलियों से जुड़ने के बाद घर छोड़कर जंगल चली गई थी। लगभग 11 वर्षों तक संगठन में सक्रिय रहने के बाद उसने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। दशमी के छोटे भाई वासुदेव ने कहा है कि आज का दिन उसके लिए बेहद ही खास है और इस दिन के लिए उसने लंबा इंतजार किया है। पाते हैं और ना कोई त्यौहार को अच्छे से मना पाते हैं, तो हमने एक पहल किया उसके लिए, पुलिस परिवार ने एक पहल किया कि क्यों ना पुलिस के साथ मिल करके सभी पर्व को त्यौहार को अच्छे से मनाएं। तो इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए रक्षाबंधन को ही चुना गया। अच्छा जिंदगी जी रहा है बोल के तो बहुत सोच के कौन कौन तो सोच के सिलेंडर करेगा। मैं भी तो बहुत सोच के मैं भी सिलेंडर किया हूँ, बादल और कौन खम लो भी सिलेंडर किया।